नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज बात करेंगे पैन पोर्टल के बारे में, पर आज NSDL नहीं। आज जिस पैन पोर्टल के बारे में बात करेंगे वो है आपका UTI पैन पोर्टल, क्योंकि बहुत जगह पे NSDL पैन पोर्टल जो है काम तो सभी जगह पे कर जाते, पर कुछ कुछ क्षेत्र में लोग UTI पैन पोर्टल को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, खास करके जब डॉक्यूमेंट बेस्ड पैन बनाते हैं लोग, मतलब 18 साल के नीचे वाले लोगों का पैन बनाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाना चाहते हैं, तब लोग UTI को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट भेजने का कोई ऐसा कोई दिन नहीं है कि 15 दिन के अंदर भेजना है, 30 दिन के अंदर भेजना है, आप 2-3 महीना 4 महीने एक साथ करके भी भेज सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग UTI को पसंद करते हैं। और UTI में कमीशन पहले मिल जाता है, NSDL में डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मिलता है अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड पैन बना रहे हैं, पर UTI में ये चीज़ बहुत अच्छा है। UTI में EKYC बेस्ड नहीं है, ये UTI की खराबी है, पर यह डॉक्यूमेंट बेस्ड पैन बनाने में UTI सबसे ज़्यादा है। तो आप अगर हमसे अभी UTI पैन पोर्टल लिए हैं या फिर लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में UTI के पैन पोर्टल शुरू किए हैं, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें लोड लेने का प्रोसेस भी ऑटोमेटेड है और कूपन खरीदने का प्रोसेस जो है वो भी ऑटोमेटेड है। तो जैसे आप ID बनाते हैं, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आप सभी के सामने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सबसे पहला काम होता है आपका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस लोड करना, ठीक है। राइट साइड में ऊपर में आप देख पाएंगे कि बैलेंस हो रहा है 7 रुपये। तो सबसे पहला काम होता है कि आप लोड लो इसमें, और इसके बाद आप कूपन खरीदो। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप कूपन खरीदेंगे मिनिमम 2 कूपन खरीदना है, सिंगल कूपन आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। जब भी खरीदना है आपको 2-2 कूपन खरीदना है, 1 कूपन नहीं खरीदना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कूपन एक साथ खरीदा है, क्वांटिटी 2, रेट 100 रुपीज़, जो भी रेट रहेगा इसमें 2 कूपन का पैसा आपका, जो भी रेट है आपके लिए, रेट डिटेल्स तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया है अगर आपने ID ले लिया है। नहीं लिया है तो कूपन प्राइस ये सब जानने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको वॉलेट लोड करना है, और वॉलेट लोड करने के लिए आपको जो करना होगा ऐड मनी बटन में क्लिक करना है। ये ऐड मनी बटन है, ऐड मनी में क्लिक करना है। ऐड मनी का कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि वॉलेट में लोड लेने पर वॉलेट टू वॉलेट चार्ज लेने पर चार्जेस का ऑप्शन है, पर वॉलेट टू वॉलेट मैंने हटा ही दिया है, सिर्फ UPI वाला ऑप्शन हमने रखा है। तो आपको जब भी लोड लेना है UPI से लेना है, अगर आपका प्राइस 100 रुपये करके तो आपको 200 रुपये लोड लेना है, और ऐड मनी बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड मनी बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने एक इस तरह की इंटरफेस खोल के आ जाएगा, जहाँ पे टीम टेक सपोर्ट का आपको QR कोड देखने को मिलेगा। 5 मिनट के अंदर इस QR कोड में पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होके आपका जो पोर्टल है वो पोर्टल ऑटोमेटिक लोड होके आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, 500 रुपये का लोड लिया आपने तो 507 हो जाएंगे, या 200 रुपये लिया तो 2207 हो जाएगा। ये हो गया कूपन लोड करने का, पैसा लोड करने का प्रोसेस। इसके बाद आपको लेना होगा कूपन। अगर आपको कूपन लेना है PSA टोकन में क्लिक करेंगे, जैसे आप PSA टोकन में क्लिक करेंगे कुछ इस साइड में आ जाएंगे, और आपका जो लॉगिन ID है PSA का ये दिखाई देगा। अगर आप नए नए बने हैं तो आपका यूजर ID पासवर्ड सेम है, और अंदर एंट्री लेने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है। इसके बाद आपको फिजिकल टोकन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टोकन खरीदना है। फिजिकल टोकन का प्राइस अगर आपका रखा जाता है 2 लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कूपन का 70 रुपये प्राइस है आपके लिए। अगर आपका फिजिकल टोकन है तो फिजिकल टोकन में जैसे 2 लिखेंगे आपका 200 रुपये प्राइस, मतलब जो भी प्राइस रहेगा आपको वो मल्टीपल होके यहाँ पे आ जाएंगे। और परचेस नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे इस वॉलेट में जो भी पैसा रहेगा ये पैसा काट के आपकी जो PSA है PSA में लोड आ जाएंगे। PSA में जब भी आप लोड लेंगे किस तरह से देखेंगे, ये आप PSA लॉगिन पे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बटन है PSA लॉगिन का, जैसे PSA लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरा यूज़र ID पासवर्ड पहले भरा हुआ है तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल देता हूँ XG और हो गया 3। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे मुझे पहले ही दिखाई देगा कि मेरे पास कितना कूपन है। मैंने ये देखिए मेरे पास 2 कूपन अभी अवेलेबल है, मतलब 2 कूपन मैंने खरीद के रखा है। तो ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ID लेने के बाद ना डिस्ट्रीब्यूटर को, ना रिटेलर को, ना सुपर को, किसी को मेरे से संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ID लो, टॉप अप करो और खुद से काम करो। टेक्निकल कोई ग्लीच आ गया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ इस तरह का है वॉलेट टॉप अप लेने का प्रोसेस एंड कूपन खरीदने का प्रोसेस। तो आप ले लो और इजीली काम शुरू करो। अगर आपने अभी तक ID नहीं लिया है रिटेलर, तो रिटेल ID ले लीजिए। अगर आप हमारे पुराने मित्र डिस्ट्रीब्यूटर है पहले से,
या फिर दूसरे कंपनियों में भी यूटीआई का काम करते वहाँ कमीशन सही नहीं मिलता, तो आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक में क्लिक कीजिए, आ जाइए सीधा हमारे सपोर्ट नंबर पे और कर लेते हैं बातचीत। किस तरह से आइडिया आप लेना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बातचीत करके काम शुरू कर देते हैं, लेट किस बात की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और पोर्टल भी आपको अच्छा लगा। पोर्टल अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो एंड पोर्टल दोनों अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।